हमने कहा था ना, हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी मत समझना। आज अगर हमने काली रूप धारण कर लिया ना बिंदु, तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा, राजा भी नहीं रोक पाएगा। अब हम और इंतजार नहीं करेंगे, सच बोलो। सच बोलो बिंदु वरना। हाँ, हमने किया था वो सब, हमने किया था, तो हम क्या करते, क्या करते हम राज? हमारे पास तो और कोई चारा भी नहीं था। हमने तुमसे तब प्यार किया जब हमें प्यार का मतलब भी नहीं पता था। तुम्हारे हर सुख, तुम्हारे हर दुख में हम तुम्हारे साथ थे रानी नहीं। बचपन से लेके आज तक हमेशा हमने तुम्हारा साथ दिया रानी ने नहीं। हम सिर्फ इतना चाहते थे कि रानी तुम्हारी जिंदगी से हट जाए, तुम उससे नफरत करो। हमें नहीं पता वो कब कैसे तुम्हारे हम मुझसे करनी चाहिए थी बिंदु। तुमने मुझसे प्यार किया और मैं तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे पाया, और उसके बाद मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ, अरे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला मैं था, मैं तो उसकी सजा रानी को क्यों? क्योंकि वो तुम्हें पा नहीं पाई राजा। और बिंदु, हमने तुम्हें पूरा सच कहने को कहा था, पूरा सच कहो वरना बिंदु, पूरा सच बोलो वरना। हमें माफ कर दो राजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस रात जब हम तुम्हारे पास आए, सिर्फ रानी और रानी का नाम लिए जा रहे थे। जब हम तुम्हारे और करीब आए, तुम बेहोश हो गए। बेइज्जती में वरना
माफ कर दूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस रात जब हम तुम्हारे पास आए, सिर्फ रानी और रानी का नाम लिए जा रहे थे। जब हम तुम्हारे और करीब आए तो तुम बेहोश हो गए। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था राज, कुछ नहीं। माफ कर दो प्लीज, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। प्लीज राज, हमें माफ कर दो प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चला नहीं उसे तो राज, राज बोले तू आपके पास क्या होगा तो पता नहीं, पहुंचा यहाँ पे राजा और पीछे आ हाँ सर, इसके आने से आने का कड़े अरे और आंखें यस नहीं बस पहले देख लिया, पहले देख लिया। सॉरी तुम रो रहे हो, तुम आप बंद करो, रो रहे हो। अरे आंखें काबिल नहीं हो, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर दया करूंगा, इसलिए पहले मैं भूल जाऊं कि तुम वो लड़की जिसे मैंने अपना दोस्त कहा था। चली जाओ यहां से, जाओ यहां से। अपनी हरकतों से आप अभी भी बाज नहीं आएंगे बड़ी रानी मां। पकड़ा गर्दन। अगर मैं बिंदु पर दया नहीं कर पाया तो सोचिए आपके साथ क्या करूंगा। आज जो आपने दादू के साथ किया, नहीं राजा, अगर तुमने ऐसा किया तो इनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा। खड़ा था बोल तक और मेरे गुस्से ऐसे पांच तक गिनूंगा, तब भी अगर आप दोनों शाबुक और मेरे गुस्से की पहुंच में रहे तो आगे जो होगा उसके जिम्मेदार खुद होगे। खुद राजा शांत हो जाओ। दो रानी अम्मी का आप तो कहिए कुछ। तीन जीवन चार राजा क्यों भड़का आप? बहुत दिन से देख रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे घर में चल रही है और हर समस्या को किसी न किसी निदान तक पहुंचना होता है, तो हमारे साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है जिससे राजा का जो टेंपर है वो एकदम हाई पे पहुंच गया है। और ये क्यों हो रहा है और क्यों किया जा रहा है और क्या होने वाला है, इसके लिए आप लोग हमारा शो देखिए। नहीं, आप सब लोग जानते हैं मैं बिंदु के सपोर्ट में कतई नहीं हूँ, क्योंकि मैं राजा से और रानी से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे हिसाब से वो दोनों सही हैं, इसलिए मैं अपने उन बच्चों का साथ दे रही हूँ जो सही रास्ते पे जा रहे हैं। अभी इस मोमेंट पे तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि उन दोनों ने ऐसी हरकतें की है कि मैं नहीं स्वीकार कर सकती, क्योंकि अगर वो घर में रहेंगे तो फिर कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे मेरे दोनों बच्चों के साथ, तो अभी तो मैं नहीं चाहती, बाकी फिर वक्त बताएगा। बिंदु राजा से मतलब बचपन से प्यार करती है, ऐसा क्या मतलब राजा को इतना गुस्सा आ गया जो बिंदु को मतलब
बिंदु राजा से बचपन से प्यार करती है, पर राजा बिंदु को दोस्त मानता है। और हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और आप किसी चीज को चपाने के लिए दूसरी चीजों को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते ना, तो मुझे लगता है गुस्सा जायज है। मैं शूट कर रही हूँ उस दिन, तो मेरी दिवाली आधी कच्ची आधी पक्की बननी है। थोड़ी थोड़ी तैयारियां हो गई है, मिठाइयाँ बन चुकी है घर पे, और दिवाली की शाम मैं फ्री रहूंगी तो सब दोस्तों, कुछ दोस्त मिलने आएंगे, मैं दोस्तों से मिलने जाऊंगी, और दिवाली गिफ्ट आएंगे खूब सारे, उनको खोल के देखूंगी क्या क्या मिल रहा है इस साल। मैं एक्चुअली बताऊँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली शूटिंग। तो मुझे समर वेकेशन में एक बहुत खूबसूरत साड़ी मिली थी, मैंने उसको प्रिपेयर करवा लिया। इट्स राजस्थानी प्रॉपर लहरिया ग्रीन साड़ी विद गुजराती बॉर्डर पल्लू, सो आई एम गोइंग टू वियर दैट विद प्रॉपर ट्रेडिशनल लाइफ। हमारे यहाँ दिवाली के प्रसाद में खीर बनती है, मतलब सारी मिठाइयाँ होती है पर खीर हम लोग घर पे ज़रूर बनाते हैं। तो हम लोग मिठाई में लक्ष्मी जी को हमारे यहाँ खीर चढ़ती है, तो खीर बनेगी, और बाकी तो जितनी मिठाइयाँ हों वो कम है, सारी मिठाइयाँ बुलवा लेते हैं। मैं आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दिवाली खूब अच्छी बीते हमारे देश को, हम सबको, हम सबके सब खूब 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 सारा पैसा आए, और हम सब बहुत